लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 14 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन इसके बाद इन्हीं 14 सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट इलाहाबाद में चुनाव के अगले ही दिन देर रात एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल प्रयागराज में हुए मतदान के बाद सभी वोटिंग मशीन्स को प्रयागराज की मुंडेरा मंडी में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन खबर आई कि मुंडेरा मंडी के स्ट्रांग रूम में कुत्ता घुस गया है। ये खबर जैसे ही सामने आई हड़कंप मच गया। इलाहाबाद से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह सपा कार्यकर्ताओं के साथ तुरंत ही देर रात उस इलाके में पहुंच गए और अधिकारियों से इस बारे में उन्होंने बातचीत की है। इस दौरान प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट के सपा के उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य भी अंदर पहुंचे। उन्होंने स्ट्रांग रूम से बाहर आकर बड़ी बात कह दी है। सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य से हमने इस मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांग रूम में कुत्ता घुसा है, लेकिन अभी जांच चल रही है। बहरहाल उन्हें अभी तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 51 फूलपुर लोकसभा में अभी जो कुछ सब व्यवस्थाएं ठीक है, मेजा में कहीं कोई कुत्ता घुस गया, उस पर भी सीडीओ साहब देख रहे हैं, जांच चल रही है। अब ये शंका है, मतलब जांच चल रही है। यार शंका कोई सवाल ही नहीं, जब ऑलरेडी वो कुत्ता दिखाई दे रहा है, शंका क्या मामला है। और रही बात 51 फूलपुर लोकसभा हम देख लिए, हमारा सब ओके है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ओके, वहां भी गए थे जहां पर बात चल रही थी। कहां मेजा विधानसभा का जो मेजा में किससे बात चल रही है, यहां पर सीडीओ साहब अकेले हैं, बात क्या चल रही है? जानवर खुला है, टीवी में दिखाई दे रहा है कुत्ता। आपके इलाहाबाद के प्रत्याशी अच्छा आपका ओके है, ये तो कैसी कोई दिक्कतें है नहीं, तो भाई सब ओके ही है। अपना परिचय अमरनाथ सिंह। ओके थैंक यू। बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में इलाहाबाद सीट पर भी मतदान हुआ था। वहीं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने ये चिंता जताई है कि स्ट्रांग रूम में कुत्ता घुसाया है। हालांकि वहां पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक कुत्ता वहां घुसा जहां वो सब कागजात रखे गए हैं जो चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो पाए हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या नया मोड़ सामने आता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।